से पहर के तीन बजे हैं असल ये रेडियो पाकिस्तान है इशरत साकिब से खबरें सुनिए वज़ी अजम ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक की हुकूमत ने कोरोना वायरस के गरीबों पर पड़ने वाले असरात के नौ हफ्ते के दौरान एक करोड़ खानदानों में कामयाबी से एक सौ बीस अरब रुपये तकसीम किए हैं मुल्क में गुजशत 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 101 सौ एक अफराध जहाँ बहक हुए जबकि मजीद पाँच हजार आठ सौ चौंतीस अफराध में इस वायरस की तीस हुई है कौमी असम्बली को आज बताया गया कि मुल्क भर में एक सौ सात लेबॉटरियाँ मौजूद हैं जो कोरोना वायरस के योमिया छियालीस हजार टेस्ट करने की सलाहियत रखती हैं। वजीर खारजा ने कहा है की अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो पाकिस्तान उसे मुंह तोड़ जवाब देगा भारत ने मजहबी आजादी का जायजा लेने के लिए अमरीकी टीम को सफर की इजाजत देने से इनकार कर दिया है इस्लामी तावन तंजीम ने फलस्ती और शरीफ के नसबुलैन को पूरी उम्मत मुस्लिमों के लिए मरकजियत देने के अजम का अहदा किया है खबरें अब तफसील के साथ। वजीर अजम इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोरोना वायरस के गरीबों पर पड़ने वाले असरात के नौ हफ्ते के दौरान कामयाबी से एक करोड़ खानदानों में 120 सौ बीस अरब रूपये तकसीम हैं। उन्होंने एक ट्वीट में मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में चौंतीस फीसद घरने इजाफी इमदाद के बगैर एक हफ्ते से ज्यादा गुजारा करने के काबिल नहीं होंगे ताहम वजीर ने भारत को मदद और पाकिस्तान के कामयाब नकद रकम मुंतकली के प्रोग्राम का तबादला करने की पेशकश की जिसकी रसाई और शफाफियत को आलमी सतह पर सराहा गया है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने आज इस्लामाबाद में वजीर अजम इमरान खान से मुलाकात की कल होने वाले बजट अजलास से मुतल उमूर पर तबादला ख्याल किया गया मुशी खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने भी आज इस्लामाबाद में वजी अजम इमरान खान से मुलाकात की और उन्हें इकतदी जायजा दो हजार उन्नीस बीस पेश किया मुल्क में गुजशत 24 घंटे के दौरान मजीद पाँच हज़ार आठ सौ चौंतीस अरादाद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है जिसके बाद इस वबा से मुतासर अफराद की मजमू तादाद एक लाख उन्नीस हज़ार पाँच सौ छत्तीस हो गई है मुतासर अफराद में कौमी इसम्बली में कायद इसब्ताफ़ शहबाज़ शरीफ और पाकिस्तान इंसाफ़ के रुकन कौमी इसम्बली फ़र्रुख़ हबीब भी शामिल हैं पंजाब में कोरोना वायरस के पैंतालीस हजार चार सौ तिरसठ सिंध में तैंतालीस हज़ार सात सौ नब्बे खैबर पखतूनख्वा में पंद्रह हज़ार दो सौ बलोचिस्तान में सात हजार तीन सौ पैंतीस इस्लामाबाद में 6,236 हजार दो सौ छत्तीस गिलगित बल्तिसान में एक हज़ार और आज़ाद कश्मीर में चार सौ अट्ठासी मरीज हैं गुजशत चौबीस घंटे के दौरान मजीद एक सौ एक के बाद इस वबा से जॉँ बहक होने वाले अफराद की मजमू तादाद दो हजार तीन सौ छप्पन हो गई है अब तक इस वबा से अड़तीस हजार तीन सौ इक्यानवे मरीज सेहतियाब हो चुके हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक चार लाख उन्नीस हजार अमवात हो चुकी हैं जबकि चौहत्तर लाख से ज्यादा अफराद में चौहत्तर लाख से ज्यादा अफराद इस वबा से मुतासर हुए हैं अमरीका में सबसे ज्यादा बीस लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए और एक लाख बारह हजार हलाकतें हुई जिसके बाद ब्राज़ील में सात लाख पिचहत्तर हजार से ज्यादा अफराद मुतासर हुए और उनतालीस हजार हलाक हुए रूस में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद चार लाख तिरानवे हजार तक पहुंच गई है जबकि अब तक छह हजार से ज्यादा अमवात हुई हैं कौमी असम्बली को आज बताया गया कि मुल्क भर में 107 सौ सात लेबॉटरियाँ मौजूद हैं जो कोरोना वायरस के योमिया छियालीस हज़ार टेस्ट करने की सलाहियत रखती हैं। सेहत के बारे में पार्लिमानी सक्रेटरी नौशीन हामिद ने इस बेखिलाफ के अरकान के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि हम आलमी इदारे सेहत की सिफारिश के मुताबिक जल्द पचास हजार टेस्ट की सलाहियत हासिल कर लेंगे उन्होंने कहा की हमने न सिर्फ तहफ़ के आलात में खुद इन हासिल की बल्कि इन्हें दूसरे मुल्कों को बरामद भी कर रहे हैं नौशीन हामिद ने कहा की सूबों को ढाई सौ वेंटिलेटर फराम किए गए हैं उन्होंने कहा कोरोना वायरस के, के मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र हमने मजद एक हजार आई सी यू बिस्तर बनाना शुरू कर दिए हैं मुस्लिम लीग नून के खाजा आसिफ ने मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती तादाद पर तस्वीर जाहिर की उन्होंने कहा कि आलमी इदार ने वबा के फैलाव को रोकने के लिए वक्फे वक्फे ऐसी लॉकडाउन की तजवीज़ दी है कौमी गजाई तहफ़ के वजीर सैयद फखर इमाम ने कहा है कि विफाक और टिड्डी दल के दरपेश मसले से निमटने के लिए करीबी ताउन के साथ काम कर रही हैं आज कौमी असम्बली में इजहार ख्याल ख्यार करते हुए उन्होंने कहा कि टिड्डी दल के तदारक के कौम मरकज को मुतफ़ा तौर पर आगे बढ़ने के लिए फाल किया गया है विफाक वजी ने कहा की टिड्डी दल से मुतासर जिलों में फजाई छिड़काव करने के लिए इस वक्त दस से ग्यारह तैयारे मुतहर हैं उन्होंने कहा की पाक फौज ने भी छिड़काव के लिए पाँच हेलीकॉप्टर फराम किए हैं पाक फौज के आठ हजार जवान जमीनी कार्रवाईओं में हिस्सा ले रहे हैं मुल्क भर में टिड्डी दल पर काबू पाने की कार्रवाईओं में मजमुई तौर पर एक टीमें मसरूफ हैं। वजीर अतलात सीनेटर शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत वजीर अज़म इमरान ख़ान की क्यादत में तमाम मसाइल पर कामयाबी से काबू पा रही है उन्होंने एक बयान में कहा कि वजीर अजम ने मुल्क की सम को दुरुस्त करते हुए इसे तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन किया है उन्होंने कहा कि वजीर अजम कौम को कोरोना वायरस और भूख से महफूज रखने के लिए इकदाम कर रहे हैं जबकि इस बेखिलाफ़ मुस्बत तजावीज़ देने के बजाय सियासत कर रही है उन्होंने कहा कि हम खदम की फरहमी को बेहतर बनाने के लिए अपने मंशूर के तहत इदारों में असलाहत कर रहे हैं ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं वजी खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा उन्होंने आज एक बयान में कहा कि पाकिस्तान अपने दिफा की पूरी सलाहियत रखता है वजी खारजा ने कहा कि भारत की तरफ से कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां तय शुद्दा का हिस्सा है जिनका मकसद नाकामियों से अवाम की तोज्जो हटाना है शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर भारत ये समझता है की पाकिस्तान उनकी धमकियों से मरूब होकर कश्मीरियों की हिमाचत से दस्तार हो जाएगा तो ये उसकी गलत है उन्होंने कहा की पाकिस्तान मसल का हल चाहता है और वो कश्मीरी के खिलाफ भारतीय पर आवाज करता रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उसूली कामसर और इस्लामी तंजीम ने कश्मीर के बारे में तकबीयत दी है भारत ने मुल्क के अंदर मजहबी आजादी का जायजा लेने के लिए अमरीकी सफर की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है बैन अलावा मज़हबी आज़ादी के बारे में अमरीकी कमीशन ने साल अप्रैल में एक रिपोर्ट में शहरीत के नए कानून से मुसलमान अकलीत को निकालने के बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ पाबंदियां आयद करने पर जोर दिया था अमरीकी पैनल ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत से कहा कि वो इस हवाले से वजाहत करे कमीशन दो फरीकी अमरीकी हुकूमत का मुशावरती इदारा है जो बैरून मुल्क मजहबी आज़ादी का जायज़ा लेता है और सदर वजीर खारजा और कांग्रेस को पॉलिसी सिफारिश देता है पिशावर हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम डिवीजन को तीन रोज के अंदर तमाम फिलिंग स्टेशनों पर पेट्रोल और डीजल की दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है अदालत ने यह हुक्म पेट्रोल की किल्लत से मुतक अस खुद नोटिस की समात के दौरान जारी किया वजीर पेट्रोलियम उमर यूब खान ने अदालत को बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के सारे वजूह के नोटिस जारी किए गए हैं उन्होंने कहा कि हालिया बहरान में पेट्रोल की तलब में तीस फीसद इजाफा हुआ है उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का वाफर जखीरा मौजूद है वजीर अजम इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन डॉक्टर एजाज अहसन के इंतकाल पर ताजियत की है उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टर एजाज अहसन हमारे साथ उन मुश्किल दिनों में खड़े रहे जब हमारी जमात को स्टेटस को की जानब से निशाना बनाया जा रहा था उन्होंने मरहूम के साले सबाब और सुखबार खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ भी की इस्लामी तमाम तनज़ीम ने फ़लस्तीन और अलुद्स शरीफ के नसबुल्न को पूरी उमत मुसलिमा के लिए मरकजियत देने के अज़म का अरादा किया है जद्दा में वज्र ख़ारजा सतह के ऑनलाइन इजलास में ओ आई सी की इंतजामी कमेटी ने मकबूजा फलस्तीन के इलाकों को ज़म करने से मुतल इसराइल के घनावने इरादे पर उसे खबरदार किया रेडियो पाकिस्तान आज तीसरे परर चार बजकर पाँच मिनट पर अपने कौमी नशरियाती रेप पर अदाकार संतोष कुमार सैयद मूसा अब्बास रजा की बरसी के हवाले से खसूस फ़ीचर नशर करेगा और अब मौसम की सूरत हाल के लिए महकमे मौसमियात के नुमाइंदे की रिपोर्ट चौबीस घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहा तहम बालाई, बालाई, बालाई पंजाब और कश्मीर में बारिश हुई सबसे ज्यादा बारिश गुजरावाला में अठारह मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई आइंदा चौबीस घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा ताहम बलाई खबर को गिलगित बुल्तस्तान इस्लामाद बलाई पंजाब और कश्मीर के मुख्तलिफलात जिनमें जम्मू लह और श्रीनगर शामिल है वहां पर भी बारिश के इमकान हैं मुख्त शहरों में रिकॉर्ड किए गए दर्जा हर कुछ इस तरह से हैं इस्लामाद पैंतीस छत्तीस सैंतीस मुजफ्फराबाद छत्तीस श्रीनगर सताईस जम्मू पैंतीस और लह में छब्बीस डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए वजीर अजम ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोरोना वायरस के गरीबों पर पड़ने वाले असरा के नौ हफ्ते के दौरान एक करोड़ खानदानों में कामयाबी ऐसी एक सौ बीस अरब रुपए तकसीम किए हैं मुल्क में गुजशतर 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस ऐसी एक सौ एक अफराध जाए हैं जबकि मजीद पाँच हजार आठ सौ चौतीस अफराध में इस वायरस की तीस हुई है वजीर खारजा ने कहा है की अगर भारत ने कोई मुहिम जुई की तो पाकिस्तान उसे मुंह तोड़ जवाब देगा खबरें खत्म हुई मजीद खबरों और तजियो के लिए हमारी वेबसाइट है आप फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान आरोप बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाजा कर सकते हैं